हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11th सीटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, और सेम टाइम पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अपना जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करके मैक्सिमम स्कोर किस तरह से करने का है, और अपना जो कॉलेज का एडमिशन है वो किस तरह से ईजी हो, इसके लिए मैं आपको एक टिप्स देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए, और उससे पहले चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन है उसका क्या स्टेटस है। तो गाइज़ यहाँ पे बताया गया है कि एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन ही आज से स्टार्ट होने के चांसेस है। ऐसा क्यों बोला गया है गाइज़? क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू नहीं हुआ है। अगर आप लोग ने ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया रहेगा तो आपको पता चला रहेगा, और थोड़ी देर में हम लोग विजिट भी करके देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का क्या स्टेटस है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे गाइज़ ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये 21st ऑफ अगस्त को होने वाली है। तो ये दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है महाराष्ट्र एफआई जैसे सीटी 2021 फॉर्म्स आर likely to be out today on 19 July 2021। जैसे कल के वीडियो में ही मैंने कहा था कि ये जो रजिस्ट्रेशन ही आज से चालू होने के चांसेस है, मतलब होने ही वाले हैं लेकिन अभी तक चालू नहीं हुए हैं। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर में हो भी जाएगी शायद। फिर अपने जो हेड है दिनकर पाटिल, उन्होंने क्या कहा है, देखिए द एफवाईजेसी सीटी 2021 विल बी कंडक्ट ऑन 21st ऑफ अगस्त 2021। तो आपके पास गाइज एक महीने का ड्यूरेशन है, आज 19 जुलाई है और 21st ऑफ अगस्त को ये एग्ज़ाम होने वाली है, तो एक महीने में आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरी बात, ये एफवाईजेसी सीटी 2021 इज़ ओनली एन ऑप्शनल एग्ज़ाम एंड विल बी फ्री फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट। तो जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये एग्जाम फ्री है। और दूसरी बात, ये ऑप्शनल एग्जाम है, मतलब अगर आप लोग ने एग्जाम दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। बस गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये एग्ज़ाम आप लोग ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट कुछ अलग है। अगर आप लोग ने एग्ज़ाम दिया तो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कॉलेज मिलने वाले हैं, और जो सीटी का एग्ज़ाम दे के बच्चे आएंगे उनको जो कॉलेजेस मिलेंगे, उसके बाद जो सीट्स बचेगी वो जिन्होंने सीटी नहीं दिया उनके लिए रहेगी। इसका मतलब क्लियर है कि पहले जो सीटी के स्टूडेंट्स हैं उनको सीट्स दी जाएगी, तो ऑब्वियसली उनको सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, और फिर थोड़े लो ग्रेड वाले कॉलेजेस बचेंगे वहाँ पर क्या होगा, आपको एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा कॉलेजेस चाहिए तो ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 19th ऑफ जुलाई लाइकली बोला गया है, मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ इसके लिए वगैरह, और 21st ऑफ अगस्त को यहाँ पे एग्ज़ाम है ये भी बताया गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोग जाके चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है। तो देखिए गाइस हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिंक नहीं आया है जिससे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो बीच बीच में विजिट ज़रूर कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा आज से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होने वाला है, अभी तक चालू नहीं हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम इस यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का ये आके ओके। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से जब भी रजिस्ट्रेशन चालू होगा तो एक डेमो वीडियो बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको पता चली जाएगा। अभी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किस तरह से करें, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया है गाइस। ऑलमोस्ट आप लोग ने अप्रैल से कुछ बुक्स को टच भी नहीं किया रहेगा, कुछ स्टडी भी नहीं किया रहेगा, और ऑब्वियसली अभी ये एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम में एक दो नहीं चार के चार जो मेजर सब्जेक्ट है, दैट इज़ इंग्लिश मैथ साइंस एंड SS जैसे सब्जेक्ट है, और उनका आपको प्रिपरेशन करने का है। दूसरी बात, ये जो प्रिपरेशन है ये थियोरेटिकली मतलब बड़े आंसर वगैरह या बड़े सम वगैरह ऐसा भी नहीं है, आपको जस्ट MCQ टाइप का प्रिपरेशन करने का। तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आपके पास उतने क्वालिटीज ऑफ MCQs नहीं है, अगर आप लोग के जो डाइजेस्ट है या जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें भी इतने MCQs वगैरह नहीं होते, तो हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें, हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ पे मिले। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग ने निकाला है गाइस, तो जस्ट आपको एक ऐप मिलने वाला है हमारे तरफ से, जो ऐप आपको कल मतलब 20 जुलाई को लाइव होगा, जैसे ऐप है लॉन्च हो जाएगा मतलब लाइव हो जाएगा, आपको मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, तो जाइए ऐप डाउनलोड कर दीजिए, वहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट के बहुत सारे MCQ मिलने के, वो भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के आपको वहाँ पे MCQs मिलने वाले हैं, तो आपका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जाइए उतने MCQs और अभी सॉल्यूशन रहेगा गाइस, तो क्वेश्चन रीड करिए और नीचे आंसर रहेगा वो बाइट कर दीजिए, साइंस रहे या अपना SS रहे उसके तो आप लोग इजीली बाइट कर सकते।
तो वहाँ पे जाइए और उसका आप लोग को वहाँ पे सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे, तो आप लोग इजीली वहाँ से ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो देखिए गाइस, बहुत ही इजी काम रहेगा आपके लिए फिर, और अच्छी तरह से आप लोग इस एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग को ये सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई रहेगी। जैसे ही लीक ओपन हो रहा है, आपको एक डेमो वीडियो बना के मैं शेयर कर दूंगा, और कल अपना ऐप आ रहा है तो ज़रूर डाउनलोड कर दीजिए। अपने जो भी फ्रेंड्स है, सर्कल है, जो भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनको शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी डाउनलोड करके उसका बेनिफिट उठाएं, और विद इन 1 मंथ आप लोग आराम से स्टडी करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा।